101 Makeup Magic. Avast Cosmetics. Change yourself, make yourself. एक बार फिर से हम आपके पास आ गए हैं कुछ और नए मेकअप के टिप्स लेके, कुछ और नया सीखेंगे और कुछ और नया सिखाएंगे विद आवास कॉस्मेटिक्स, आवास मेकअप मैजिक में। तो आप सब लोगों को पता होगा कि हम जो ब्रश यूज करते हैं वो ब्रश की क्लीनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट को करते हैं तो सैनिटाइजेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो उसकी क्लीनिंग कैसे की जाए? ज़्यादातर हम लोग, मैंने सुना कि वो मेकअप वाइप से ऐसे ही क्लीन करके रख देते हैं तो उसमें बैक्टीरिया पैदा होते हैं, तो बैक्टीरिया से पिंपल्स होते हैं, एक के दूसरे पे जाते हैं, तो उसको सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम लोग 99% अल्कोहल आता है जिससे हम ब्रश को साफ़ करते हैं, उसको ब्रश क्लीनर बोलते हैं, ब्लू कलर का आता है। तो उसमें क्या करते हैं कि इतनी सी बॉटल आती है, बहुत महंगी पड़ती है, तो हम लोग क्या करते हैं छोटे ब्रश से लेके क्लीनिंग शुरू करते हैं। और उसको जैसे हमने कंसील किया तो सबसे पहले कंसील का ब्रश लेते हैं जिसका कलर लाइट होता है, उसके बाद डार्क 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 शेड के ब्रश यूज़ करते जाते हैं, फिर हम बड़े ब्रश लेते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने क्लीनिंग बताई वो इन बिटवीन, अगर आपको दूसरे दिन तुरंत ही काम करना हो या फास्ट करना हो, 5-6 घंटे के बाद तुरंत मेकअप करना हो, अगर आप उसको पानी और बेबी शैम्पू से शार्प करेंगे तो वो इतने जल्दी ड्राई नहीं होंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम वो ब्रश क्लीनर से उसको साफ़ करते हैं। जैसे हमारी मेकअप की सीज़न है वो ख़त्म होने आ रही है, तो हम इन बिटवीन क्या करेंगे कि जो हमारे पास ब्रशेज़ है उसको हम बेबी शैम्पू लेंगे, क्योंकि बेबी शैम्पू में एसीटोन नहीं होता है, दूसरा कोई शैम्पू यूज़ करते हैं उसमें एसीटोन होता है, तो एसीटोन के कारण जो ग्लू का बॉन्ड होता है ब्रश के ऊपर वो ढीला हो जाता है और ऊपर का ब्रश का पोर्शन निकल जाता है, डिटैच हो जाता है। तो हम बेबी शैम्पू लेंगे और बेबी शैम्पू के अंदर थोड़ा सा पानी लेंगे और उसको एक छोटे से ग्लास में लेंगे और उसमें ब्रश को साफ़ करते जाएंगे, मतलब जैसे जैसे ब्रश ज़्यादा लिए तो वो रिप्लेस करते जाएंगे वो लिक्विड, और फिर उसको ठंडे पानी से साफ़ करेंगे, जो अपना नल है उसके अंदर ही लगा देंगे उसके नीचे, और पूरा उसको रिंस करके पूरा शैम्पू को बाहर निकाल देंगे। उसके बाद उसमें पानी है तो हम लोग टॉवल लेंगे या टिश्यू पेपर लेंगे और उसके ऊपर जैसे ये ब्रश है उसको ऐसे 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 करेंगे, ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम मेकअप लगाते हैं तो ये सारे जो ब्रिसल्स है जो आके का जो ब्रश का है वो एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए, आपका ब्रश बिगड़ना नहीं चाहिए। तो कई लोग ऐसे ऐसे करते हैं, दैट इज़ रॉन्ग, हमेशा ब्रश को ऐसे साफ़ करना है। ठीक है, और फिर उसको जैसे पानी को निकालना भी हो तो नीचे की तरफ करके यूं निचोड़ के और पूरा पानी को निकाल देना है। फिर इसको ड्राई करने के लिए टिश्यू पेपर रखना है और टिश्यू पेपर को जो वाइट कलर का मैंने टॉवल बताया, कोई भी कलर का टॉवल ले सकते हो, उसके ऊपर ये ब्रश को रख देना है और पूरी लाइन आपको कर देनी है। अब सोचो कि ठंडी का मौसम है और आप उसको तुरंत ड्राई नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास जो हेयर ड्रायर आता है वो हेयर ड्रायर लेना है, पर हेयर ड्रायर को कई बार लोग ऐसे डालते हैं, ऐसे नहीं डालना है, जिस तरह से जहाँ से ब्रश निकल रहे हैं, ये जो जहाँ से ब्रश जो सारे हेयर निकल रहे हैं उस डायरेक्शन में से ब्रश एयर को फ्लो डालना है। और जब हम ड्रायर यूज़ करते हैं तो सीधा राउंड है ऐसा यूज़ नहीं करना है, आगे नोज़ल होना चाहिए और नोज़ल का यूज़ करके फिर उसको ड्राई कर सकते हैं। तो ये रही बात हमारी ड्राई करने की जब मेकअप ख़त्म हो गया उसके बाद की, पर इन बिटवीन जैसे मैंने एक क्लाइंट लिया उसका कलर शेड अलग है और उसके बाद दूसरा क्लाइंट लेना है तो वो थोड़ा लाइट या डार्क है, तो अगर मैं वही ब्रश यूज़ करूँगी तो वो कलर सेम नहीं आएगा, मिक्स आएगा, तो आप बोलोगे अरे ये काली दिख रही है, ये तो वाइट शेड लिया था मैंने। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस तरह का ड्राई ब्रश क्लीनर आता है जो अभी नया निकला है, एवास कंपनी का है,
बहुत अच्छा है। तो जैसे आपने कोई भी शेड लिया, उसके बाद हमारे पास अल्कोहल 99% अल्कोहल भी है और हमारे पास वाटर भी है, ठीक है। तो अगर आपने आई शेडो वगैरह कुछ लिया है तो तुम आप लोग वाटर का स्प्रे करके फिर ब्रश को इस तरह से साफ कर सकते हैं। पर अगर आपने फाउंडेशन लिया है तो फाउंडेशन है वो वाटर प्रूफ है, तो वो पानी से नहीं जाएगा, उल्टा वो ब्रश को ज़्यादा ख़राब करेगा। तो तब आपको यूज़ करना है अल्कोहल, 99% अल्कोहल। 99% अल्कोहल क्यों? क्योंकि वो ही बैक्टीरिया जर्म्स को मारता है। तो अगर किसी के ऊपर कोई भी तरह का बैक्टीरिया या कोई भी स्किन पे डिजीज़ है, कोई भी तरह का इन्फेक्शन है, तो 99% अल्कोहल अगर स्प्रे करके फिर उसको आप साफ़ करते हो, देन इट इज़ वेरी गुड। तो हाइजीन, जब हम मेकअप करते हैं तो हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, कई बार बदबू आ जाती है। तो जब आपको अच्छे क्लाइंट, हाई क्वालिटी के क्लाइंट चाहिए, तो आपके ब्रशेस, आपकी किट बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। Avaaz Cosmetics. Change yourself. Make yourself. तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी किट को बहुत ही साफ रखें, ठीक है। अब जैसे आपका स्पंज है, तो ये स्पंज एक के ऊपर से दूसरे ऊपर काम करते हैं। तो ये जो स्पंज है, ये स्पंज पानी में डुबोने से ये लेटेक्स फ्री है, तो ये फूलता नहीं है। हाँ, इसको भी बेबी शैम्पू में डाल के अच्छे से रगड़ के फिर टैप के नीचे आप साफ कर सकते हैं। पानी रिंस करना है एटलीस्ट 2-3 मिनट्स, तो उससे सारा अंदर से शैम्पू निकल जाएगा। अगर शैम्पू अंदर रहा तो उसमें कॉस्टिक सोडा रहता है, तो जब स्किन में जाता है तो कई लोगों को एक्जिमा होता है, तो वो इन्फेक्शन लग सकता है। तो मेक श्योर करना है कि आपने कुछ भी लगाया, अल्कोहल लगाया या जो भी शैम्पू लगाया, वो इस तरह से धोना है कि सब बाहर निकल जाए, ठीक है। दूसरा मेरा ये कहना है कि जब हम लोग ब्लश ऑन भी लगाते हैं, समझो हमने हमारा ब्रश लिया और मैंने ब्लश ऑन पे लगाया, क्लाइंट पे लगाया, तो ये हो गया एक बार यूज़। अब उस क्लाइंट को अगर पिंपल है या उस क्लाइंट को कोई और डिजीज़ है स्किन का, और यही ब्रश मैंने रख दिया और यही ब्रश मैंने दूसरे क्लाइंट पे यूज़ किया, तो मतलब हमारे पास ब्रश के ऊपर तो बैक्टीरिया है, पर वो बैक्टीरिया जब मैंने दोबारा ये ट्रे में डैब किया था तो इसके ऊपर भी आ गया, तो उसको भी मुझे साफ़ करना पड़ेगा। अब ये तो पाउडर है तो मैं कैसे करूँगी? तो अल्कोहल जो है वो इवोपरेट हो जाता है, तो आपको क्या करना है, अल्कोहल लेके थोड़ा सा दूर रख के फिर उसके ऊपर स्प्रे करना है, तो ये आपका गीला भी नहीं होगा और बैक्टीरिया फ्री हो गया। तो इस तरह से जो भी आप पैलेट यूज़ करते हो आपको साफ करना है। दूसरा, हम लोग कई लोग क्या करते हैं कि हमारा ये फाउंडेशन या कंसील का पैलेट है तो हम सीधा इसके अंदर ये स्पंज डाल देते हैं, सो वी कैन नॉट डू इट, क्योंकि ये स्पंज भी बार बार डालने से इन्फेक्शन होता है। तो इसके लिए हमारे पास ये स्पेशल पैलेट है और स्पैचुला है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से थोड़ा सा जो भी कलर शेड हमें चाहिए निकाल के इसके ऊपर डालेंगे, ये जो हमारे पास मेकअप मिक्सिंग पैलेट है उसमें डालेंगे, फिर हम क्लाइंट के ऊपर लगाएंगे। तो जब आप बड़े हाई क्वालिटी के क्लाइंट करते हो, हाई क्वालिटी के किसी को भी करते हो, सबके लिए अपनी स्किन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ों का आप जितना भी ख्याल रखोगे, जितना भी हाइजीनिक रहोगे, उतने तुम्हारे क्लाइंट बढ़ेंगे और उतने हायर लेवल के लोग, ज़्यादा पैसे देने वाले के लोग आपको ज़्यादा हायर करेंगे। तो ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, योर प्रेजेंटेशन इज एवरीथिंग। कई बार क्या होता है कि हम लोग लिपस्टिक भी लगाते हैं तो हम सीधा यूज़ कर लेते हैं, लिपस्टिक के ऊपर ही ब्रश डाल देते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट राइट। तो वो भी आपको स्पैचुला से लेके और आपको ये मिक्सिंग, मेकअप मिक्सिंग पैलेट है उसमें लगाना है।
हमारा क्लीनिंग का सेशन हुआ और हम अपने ड्रेसअप के बारे में बात करें, तो हम जब तैयार करने किसी को जाते हैं तो सबसे पहले हर एक वेदर, हर एक टेम्परेचर के अंदर सबके मूड अलग अलग होते हैं, ठीक है। कई बार लाल कलर हमें बहुत पसंद आता है विंटर में, समर में हम भड़क जाते हैं। तो हम जब किसी को तैयार करने जाते हैं तो हमारा एक न्यूट्रल प्रेजेंटेशन होना चाहिए। हम किसी के ऊपर कलर मेकअप लगाते हैं तो बहुत तरह की लाइट इफेक्ट करती है। जैसे हम गए तो वहाँ पे वो लोग शूट कर रहे हैं, तो शूट के लिए गोल्डन लाइट हम पे आती है। जब हम वो क्लाइंट का फेस देखते हैं तो फेस की स्किन के ऊपर वो रिफ्लेक्ट होता है। तो जैसे मैंने रेड शेड पहना है तो उसके फेस पे रेड शेड इफेक्ट रिफ्लेक्ट करेगा। मैंने वाइट पहना है तो वो पूरा लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है, पूरा वाइट कलर शेड को। और अगर तुम ब्लैक पहना है तो वो पूरा ऑब्जर्व करता है। तो सारे आप देखा होगा कि जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं मोस्टली ब्लैक कलर पहनते हैं, क्योंकि वो इतनी गर्मी में काम करते हैं, ठीक है, इंडोर आउटडोर। तो ब्लैक कलर पहनने से एक सेटल लुक आता है। दूसरा कि आप जिसके ऊपर कर रहे हो उसको भी कोई तरह का भाव नहीं आता है, तो वो भी बंदा काम बैठा रहता है और आराम से आपसे मेकअप करवाता है। तो जब भी आप किसी का भी मेकअप करने बाहर जाते हैं तो ड्रेसअप में ब्लैक कपड़ा पहनना चाहिए। प्लस अगर हम दुपट्टा लेके पहुंच जाते हैं तो बीच में कितना आता है उसको लेके साइड में रखो, राइट। तो आपका जो स्पेशल ड्रेसअप है जब आप मेकअप करने जाते हैं तो इट शुड बी टी शर्ट है, पैंट है, राइट। तो हमारे कल्चर में कई बार बोलते हैं कि यार पैंट और वो सब अलाउड नहीं है, तो हमें उस तरह का पहनना चाहिए कि कुर्ती है, ब्लैक कुर्ती है हमारे पास, नीचे हमने लेगिंग्स पहन लिए, राइट। तो जो दुपट्टा है वो छोटा सा स्कार्फ ले लिया ताकि हम मेकअप करते हैं तो वो बीच में ना आए। तो हम ऐसे भी ड्रेसअप होके जा सकते हैं। दूसरा कि जब आप मेकअप करने जाते हो तो आपका खुद का भी थोड़ा मेकअप किया हुआ होना चाहिए, क्योंकि आपको देख के उनको लगेगा कि वो तुम आप कैसा वर्क करोगे। तो व्हेन एवर यू गो टू मेक समबडी रेडी, मेक श्योर कि आपने भी थोड़ा हल्का सा कंसील किया है। और आप किसी के यहाँ शादी में जा रहे हो, उनके यहाँ भी गेस्ट आ रहा है, तो यू शुड लुक प्रेजेंटेबल। बाल भी अच्छे से, ज़्यादातर जब आप मेकअप करते तो पूरे बाल पीछे की तरफ बंधे हुए होने चाहिए और पॉनी टेल लगा के जाते हैं ताकि आपके फेस पे कहीं पे भी बाल नहीं आते। तो जब आप काम कर रहे हो तो आपको वो बाल बीच में नड़ते नहीं हैं। जैसे कोई लड़का है वो मेकअप करता है तो ड्रेसअप योर सेल्फ गुड, मेक श्योर यू आर ग्रूम गुड। आपके बाल वाल कटे हुए, अगर दाढ़ी और मूंछ के बाल है तो मेक श्योर करो कि आप ट्रिम होके जा रहे हो। ऐसा नहीं कि हमने 15-20 दिन से उसको ग्रूम नहीं किया, कुछ नहीं किया। अगर बाल बहुत फैल रहे हैं तो उसको जेल लगा के जाइए, ऑयल लगा के नहीं जाना है। अगर हम ऑयल लगा के पहुंच जाएंगे तो बोलेंगे ये क्या करेंगे हमारा, राइट। तो जब आप कुछ भी मेकअप के लिए जाते हैं तो आपका प्रेजेंटेशन, आपने क्या पहना है, आप कैसे ड्रेसअप हो, मेन इम्पॉर्टेंट। ज़्यादातर आपके जो टोज होते हैं, जैसे पाँव होते हैं, तो पाँव के अंदर भी आप शूज़ पहन के जाइए या मोजड़ी पहन के जाइए। चप्पल पहनने से वो प्रेजेंटेशन प्रोफेशनल लुक नहीं आता है। तो जब आप तैयार करने जाते हैं तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपके जो पाँव की उंगलियां हैं वो ना दिखे। दैट इज़ योर प्रेजेंटेशन, लाइक दैट शोज दैट यू आर प्रोफेशनल। Avast Cosmetics. Change yourself, make yourself. अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम मेकअप क्यों करते हैं। और मेकअप में ये जो हम लोग सुनते हैं, ये 3D मेकअप, ये कट्स वगैरह, ये सब क्या है? तो हम जब मेकअप करते हैं तो हमारे फेस पे बहुत सारे इम्परफेक्शन हैं। सबसे पहले हम वो बात करते हैं, तो कहीं पे खड्डा है, कहीं पे बाहर उभरा हुआ है, कहीं पे काले काले धब्बे हैं, कहीं पे निशान हैं, कहीं पे मार्क्स हैं। तो उन सब को पहले हमें छुपाना है। तो वो छुपाने के लिए हम कंसीलर यूज़ करते हैं। तो वो कंसीलर के अलग अलग शेड हैं। हम बोलते हैं कभी ऑरेंज है, कभी ग्रीन है, कभी पर्पल है, भाई हम क्या यूज़ करें, कहाँ यूज़ करें? तो जैसे लोग वो कलर व्हील सिखाते हैं कि हमारे 3 बेसिक शेड हैं कि येलो,
ब्लू एंड रेड, फिर उन दोनों को मिक्स करते हैं, फिर रेड एंड येलो को मिक्स करते हैं तो ऑरेंज बनता है, राइट? येलो एंड ब्लू को मिक्स करते हैं तो पर्पल बनता है। तो ये हमारे पास जो सेकेंडरी कलर है जो हम कंसीलर के लिए यूज़ करते हैं, येलो, ऑरेंज एंड ग्रीन। तो जब बहुत ही ज़्यादा कलर ब्लैकिश हो, ब्लूइश हो, उसके लिए हम ऑरेंज यूज़ करते हैं, ठीक है? हमारी जो एशियन स्किन है उसमें ज़्यादातर ऑरेंज एंड येलो कलर जाता है, और ग्रीन कलर जब बहुत सारे पिंपल के दागे पड़ गए हो, जो लिटल बिट ब्लैकिश होते हैं, उसके लिए हम ग्रीन यूज़ करते हैं, ठीक है? और जैसे कोई लाइटर स्किन है, ज़्यादातर पंजाबी लोग होते हैं वो लाइटर स्किन के होते हैं, तो उनके लिए हम लोग येलो यूज़ करते हैं, राइट? क्योंकि वो स्किन का शेड लाइटर है। तो ये जो शेड्स मैंने बोले उसको अंडरटोन बोलते हैं, तो इम्परफेक्शन का अंडरटोन बोलते हैं। अब मैं आपको 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के बारे में बताऊंगी। जब हम ऐसे खड़े रहते हैं तो एक मूर्ति बनती है हम लोगों की, तो हम लोग अभी 3 डायमेंशन मतलब एक्स वाई जेड 3 माध्यम हैं, हम वैसे खड़े हैं, सीधा, वर्टिकल एंड साइड का। तो हम ये एक एटमोसफियर में खड़े हैं। जब हम पिक्चर लेते हैं तो पिक्चर होती है 2 डायमेंशन, एक पेपर है, तो मैंने पिक्चर लिया तो हम एक फ्लैट फेस देख सकते हैं, पीछे क्या है, अंदर क्या है, हम नहीं देख सकते हैं। तो वो देखने के लिए जो अंदर वाला जो फेस है उसको हमें मूर्ति जैसा बनाना है, हमारी जैसे मूर्ति है वैसा बनाना है। तो उसके लिए हम कहीं पे जैसे कुछ चीज़ों को उभारते हैं, कुछ चीज़ों को दबाते हैं, तो जिस चीज़ों को हम उभारते हैं उसको बोलते हैं हाइलाइटिंग, जिस चीज़ को हम दबाते हैं उसको बोलते हैं शेडिंग, और जब हम हमारा दबाना और उभारना दोनों की जो प्रोसीजर है उसको बोलते हैं काउंटोरिंग। तो काउंटोरिंग करके जो हम तस्वीर लेते हैं उसके अंदर 3 डायमेंशन लुक आता है, कि जैसे वो बंदा अंदर खड़ा है तो उसको 3 डायमेंशन लुक बोलते हैं। जिसको हम दबाते हैं उसको शेडिंग बोलते हैं, जिस पोर्शन को हम उभारते हैं उसको हम हाइलाइटिंग बोलते हैं। Avast Cosmetics. Change yourself, make yourself. हमारे पास ये पैलेट है, ये आपका ग्रीन है, जो पिंपल्स वगैरह के बहुत ही डार्क शेड है उसमें जाएगा, ये आपका ऑरेंज है और ये आपका येलो है, ठीक है? कई बार क्या होता है, ये ऑरेंज बहुत ही लाइट पड़ता है, इतना डार्क होता है डार्क आई सर्कल, तब हम यूज़ करते हैं रेड आईलाइनर। जब बहुत ही काले सर्कल हो तो हम रेड आईलाइनर करें, आईलाइनर का यूज़ करेंगे कंसीलर के तौर पे। ये ग्रीन है, जब पिंपल होता है तब हम यूज़ करते हैं, पिंपल रेड कलर का होता है तो उसके ऊपर हम येलो यूज़ करेंगे, और ऑरेंज है वो डार्क सर्कल के लिए। मेरे लिए ये ऑरेंज थोड़ा लाइट ऑरेंज है तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा रेड कलर की लिप पेंसिल यूज़ करती हूँ, इसके साथ में यूज़ करती हूँ। अभी मैं करके दिखाऊँगी, कई बार लिपस्टिक भी लगाती हूँ, बहुत डार्क होती है उसके लिए ऑरेंज, डार्क ऑरेंज या रेड, रेड रेड पेंसिल, रेड लिपस्टिक, इसके साथ मिक्स करके अपना शेड बना सकते हैं, रेड आई शेडो। अब हमारे पास काउंटरिंग एंड हाइलाइटिंग, ये हमारी पैलेट है, पाउडर की पैलेट, और ये कंसीलर की पैलेट है। ये दोनों पैलेट निकालें, ये आपके सारे काउंटरिंग के शेड हैं, ठीक है? ये आपका हाइलाइटिंग का शेड है और ये आपका काउंटरिंग का शेड है। हाइलाइटिंग और काउंटरिंग दोनों साथ में जाते हैं, इन दोनों को मिक्स करके लाइट ऑरेंज बना के आप लाइट स्किन के लिए कंसील यूज़ कर सकते हैं। ये वाले जो है वो बेस शेड है स्किन के, इसको भी काउंटर में ब्लेंडिंग में यूज़ करते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊँगी। ये आपके काउंटरिंग के शेड हैं। अच्छा, काउंटरिंग के शेड क्या और हाइलाइटिंग के शेड क्या,
मैं आपको पहले ये समझा दूं, आपका जो स्किन का टोन है उससे 3 या 4 शेड लाइटर शेड आप यूज़ करते हो हाइलाइटिंग के लिए, ठीक है। जो आपने बेस का शेड लिया है उससे 3 या 4 शेड लाइट, आपके बेस कलर से 3 या 4 शेड लाइटर शेड फॉर हाइलाइटिंग। और आपके स्किन टोन जो बेस आपने लगाया है उससे 3 या 4 शेड डार्कर इज योर कंटूरिंग। आपके बेस कलर से 3 या 4 शेड लाइटर शेड फॉर हाइलाइटिंग। और आपके स्किन टोन जो बेस आपने लगाया है उससे 3 या 4 शेड डार्कर इज योर कंटूरिंग। जैसे ये मेरा स्किन टोन है, हाँ ये कलर, अगर मुझे हाईलाइट करना है तो ये मेरा हाइलाइटिंग है 3 से 4 शेड लाइटर। अगर मुझे काउंटरिंग करना है तो उससे 4 शेड डार्क। मेरे पास 2 ऑप्शन है, मेरे पास एक ये ऑप्शन है और मेरे पास एक ये ऑप्शन है। ये ऑप्शन मैं विंटर में यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि विंटर में स्किन ड्राई होती है, क्रीम वाला, तो मैं क्रीम यूज़ करके फिर उसके ऊपर पाउडर लगा सकती हूँ। पर अगर समर है, अगर समर में ये करने जाऊँगी तो पूरी स्किन ऑयली हो जाएगी और पिक्चर भी एकदम ऑयली आएगी, एंड देन इट विल स्टार्ट ड्रॉपिंग, सब पैची हो जाएगा। तो इन समर आई विल यूज़ पाउडर कंटूरिंग। और समर के लिए ये आइवरी शेड है। अगर आपको शाइन नहीं दिखाना है, जैसे मैच्योर एज की स्किन होती है तो उसके लिए हम शाइन नहीं दिखाते हैं, तो ये आपका हाइलाइटिंग शेड है। दूसरा हमारे पास एक आई शेडो का जो आपके पास पैलेट है, इसका जो वाइट 2 शेड है उसको भी आप हाइलाइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये वाले 1 और 2। तीसरा हमारे पास, इसको बोलते हैं वार्म आई शेडो पैलेट, इसके अंदर भी हमारे पास ये गोल्ड है और ये पहले वाला है। तो जितने भी इसमें शाइन के साथ लाइटर वाले शेड हैं गोल्ड एंड वाइट के ऊपर, वो हम हाईलाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हाईलाइट के लिए कोई स्पेशल शेड ही होना चाहिए, क्योंकि हाईलाइट का मतलब है आपके स्किन के टोन से लाइटर 3-4 से लेके 0 तक जा सकते हैं, लाइटर शेड आपको यूज़ करना है। और काउंटरिंग का मतलब है आपके स्किन टोन से डार्कर शेड आपको यूज़ करना है। और काउंटरिंग का मतलब है कि फेस के जो हिस्से को आपको पतला दिखाना है, अंदर की तरफ दबाना है, वहाँ पे आपको काउंटरिंग करनी है। फेस के जिस हिस्से को आपको उभारना है वहाँ पे आपको हाइलाइटिंग करनी है। समर में कर सकते हैं, विंटर में भी कर सकते हैं, पर इसके ऊपर पाउडर लगाना है। अगर विंटर में पाउडर यूज़ नहीं करोगे तो चलेगा, समर में वो लगा के अगर पाउडर यूज़ नहीं किया तो इट विल बी लाइक मैस, क्योंकि वैसे भी गर्मी है, टेम्परेचर मोर देन 42 है। तो अगर बाहर का टेम्परेचर आपके शरीर के टेम्परेचर से बहुत ही ज़्यादा है देन इट विल रिंस ऑफ। ये मैंने आपको ब्रश क्लीनिंग का बताया, जब हम शाम को जाएंगे हम सारे अपने अपने ब्रश क्लीन करेंगे। दूसरा मैंने आपको कैसे प्रेजेंट होना है वो बताया। Avast Cosmetics. Change yourself. Make yourself. तो अच्छा दिखने के लिए आप क्या करेंगे? अच्छा दिखने के लिए आवाज कॉस्मेटिक्स के हमारे प्रोडक्ट और हमारे मेकअप टिप्स यूज करेंगे, ताकि आप अपने सर्कल में जहां पर भी जाएंगे, अपनी ऑफिस हो, अपना फंक्शन हो, हर जगह पे आप अच्छे ही लगेंगे।
वाह मेकअप मैजिक।